भारत में रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए अब तक किए गए अलग अलग उपायों में गहरी रुचि ले रहा है। हमें उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में विशेष तौर पर कोयला खनन, कृषि, अनुबंधित खेतीबाड़ी, मछली पालन, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य, लकड़ी उत्पादन, बहुमूल्य धातु, बंदरगाह संपर्क और अब पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक संभावनाएं तलाशेंगे। रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र और भारत के बीच सहयोग के कारण वर्ष 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबारी लक्ष्य को हासिल करने में भी उल्लेखनीय योगदान मिल सकता है।